इस अमेरिकन सिंगर ने अपनी बॉडी पर ये संस्कृत में टैटू बनवाया है। इसका मतलब क्या है? आप ये फोटो देख रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग राज है, जानेंगे वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी का एक अनसुना राज। तो देखते रहिए वीडियो आखिर तक। नंबर 9, दुनिया भर में लाखों ऐसे लोग हैं जो भारतीय ना होते हुए भी भारतीय संस्कृति को काफी ज्यादा मानते हैं। इंटरनेट पर आपको कई ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहां विदेशी लोग भारतीय लोक गीतों को गाते और उन पर थिरकते देखे जा सकते हैं। भारतीय संस्कृति अब दुनिया पर इतना प्रभाव बना चुकी है कि बड़े बड़े विदेशी सेलिब्रिटीज भी भारत के रंग में रंगते देखे जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ किया अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर कैटी पेरी ने। कैटी ने हाल ही में अपने दाएं हाथ की बाजू पर एक टैटू बनवाया है। टैटू है अनुगच्छतु प्रवाहम, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है और जिसका मतलब है गो विद द फ्लो, यानी बहाव के साथ चलो। नंबर 8, हंसता हुआ चेहरा बिना किसी तरीके के मेकअप के भी काफी खूबसूरत दिखता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है हंसने वाले व्यक्ति के दांतों का। आप जितना खुलकर हंसते हैं आपके दांत उतने ही दिखाई देते हैं, और एक पूरी हंसी तभी कही जाती है जब आपके होंठ इतने चौड़े हों कि आपकी बत्ती सी पूरी तरीके से दिखाई दे। अब ये तो बात हो गई स्माइल की, अब बात करते हैं दांतों के इम्पोर्टेंस की। स्माइल और दांत एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, चलिए बताते हैं कैसे। इस फोटो को देखकर आपने सबसे पहली चीज जो नोटिस की होगी वो है इस व्यक्ति की बत्ती सी, जिसमें एक दांत गायब है। पर अगर आप इस फोटो को गौर से देखेंगे तो आपको इस व्यक्ति का एक आईब्रो भी गायब दिखेगा, जिस पर आपका पहले ध्यान नहीं गया था। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से स्माइल चेहरे को खूबसूरत बनाती है, वैसे ही स्माइल को दांत खूबसूरत बनाते हैं। तो खूबसूरत बने रहने के लिए अपने दांतों का खासा ख्याल रखें। नंबर 7, एक तरफ जहां ये महामारी लाखों भारतीयों की जान ले चुकी है, इस महामारी में करोड़ों भारतीय ऐसे भी हैं जिनका रोजगार भी इस महामारी के चलते छिन गया। हाल ही में आई एक रिपोर्ट जिसे पब्लिश किया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। इसने बताया कि बीते दिनों केवल मई के महीने में ही 1.5 करोड़ भारतीयों ने अपनी जॉब गवा दी। इसी साल अप्रैल के महीने में भारत की बेरोजगारी जो पहले ही 7.2% थी, केवल एक ही महीने में ये आंकड़ा पहले तो 9.6% था और अंत में पहुंच गया 12% के पार। CMEI ने बताया कि एक तो पहले ही भारत में रोजगार की स्थिति बदतर थी, जहां केवल 40 करोड़ भारतीयों के पास अपनी नौकरी थी। महामारी की दूसरी लहर ने इन आंकड़ों को 37 करोड़ तक धकेल दिया। ऐसे में अगर तीसरी लहर भी आती है तो ये आंकड़ा बद से बदतर भी हो सकता है। नंबर 6, अगर कुदरत की क्रिएशन देखी जाए तो आपको कई चीजें